देखिए हम लोग उसी के आगे क्वेश्चन है, यह सेट नंबर 38 है सीजीएल 2017। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल, बताना कौन से स्पेलिंग करेक्ट है। डिथर होता है टालना और आईएनजी हो जाएगा डिथरिंग, आंसर सी। थ्रॉटल, थ्रॉटल होता है टी या चारो टी टी एल ई और जब सेकेंड फॉर्म बनेगा तो हो जाएगा थ्रॉटल्ड, आंसर हो जाएगा डी थ्रॉटल। थ्रॉटल हो जाएगा गला घोटना, गला घोटना किसी का दबाकर मारना थ्रॉटल। पैरा जंबल है चिल्ड्रेन आर सेंसिटिव, बच्चे संवेदनशील होते हैं। अब संवेदनशील होते हैं, अब आपको बताना है, वैसे सेंसिटिव टू लेता है और टू मतलब एक्स, एक्स मतलब केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन बी। चिल्ड्रेन आर सेंसिटिव टू व्हाट हैपेंस अराउंड देम एंड आर वाई इंफ्रास्टिक अबाउट वर्किंग ऑन प्लेस दैट रिफ्लेक्ट्स दियर लाइव्स, आंसर बन जाएगा बी। बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब नहीं होता है, मतलब नहीं होता है, यानी पहला सेंटेंस कंप्लीट है, बात आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाना है तो मतलब कंजंक्शन लगाएंगे, यानी ऑप्शन जेड, जेड से केवल एक ऑप्शन, आंसर बी। एक्टिव पैसिव द ट्रबल एजेंट इज मेकिंग, यानी आपका कॉन्टिन्यूअस है तो इसे आप इज एम आर के साथ बीइंग लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द ट्रबल एजेंट इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशन, तो ऑप्शन बन जाएगा, ये कट गया, ये ऑप्शन सी, ऑल द रिजर्वेशन आर बीइंग मेड बाय द ट्रबल एजेंट। ही सेड टू द डेंटिस्ट आई हैव अ टूथएच, मेरे दांतों में दर्द है, तो टोल्ड द डेंटिस्ट, टोल्ड द डेंटिस्ट दैट दैट दैट, आई आपका चेंज हो जाएगा ही, अब उसके बाद हो जाएगा हैव का हैड और गॉटन गलत हो जाएगा, आंसर सी। ही टोल्ड द डेंटिस्ट दैट ही हैड अ टूथएच, दांतों में दर्द। नेक्स्ट है द त्रिकोण साना आर ट्रायंगल पोज, अब देखिए है क्या, ये त्रिकोण आसन, बात किसकी कर रहा है, त्रिकोण आसन या ट्रायंगल पोज, स्टिमुलेट्स प्रेरित करता है द फंक्शन ऑफ द इंटायर बॉडी, पूरे शरीर के कार्यों को, एंड और अ लेटरल साइड स्ट्रेच, लेटरल मतलब पार्श्व किनारे का, और किनारे का स्ट्रेच करता है ऑफ द स्पाइन, समझ रहे ना, जो लोग ऐसे झुकते हैं वो त्रिकोण आसन की बात कर रहा है, ताकि वो साइड को क्या करता है, स्ट्रेच करता है। इट हेल्ड रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इसके पास होता है ब्लड प्रेशर को कम करना, स्ट्रेस को कम करता है, एंड एंजाइटी और एंजाइटी को कम करता है, यानी यहां पर बेनिफिट ऑफ योगा बताया जा रहा है। प्रैक्टिस दिस आसन एवरी डे, प्रतिदिन इस आसन के अभ्यास से, एंड यू विल, और आप पाएंगे स्ट्रेंथ, ताकत इन द एंकल्स, एंकल्स मतलब कोहनी में, कोहनी मतलब क्या, हाँ कल से
ये एल्बो है, ये एल्बो है, ये एल्बो है, कोहनी कहाँ है? ये पैर का, बिल्कुल जब आप झुकते हैं ना तो पूरा मांसपेशी खींचेगा, तो इससे ताकत होगा एंकल्स को, थाई, जंघे को, नी, घुटने को, हिप्स को। और काब्ज मतलब, क्या? ये वाला पोर्शन जो ये खींचेगा। एंड हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग मतलब ये सेंस हो जाएगा कि वो मांसपेशियों के खिंचाव से उसका लूज जो खत्म हो जाता है, यानी जो टाइट होती है मांसपेशियां। ऑल स्टैंडिंग पोजेज, सभी स्टैंडिंग पोज, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सो द मोर यू डू इट, इसीलिए जितना ज्यादा आप इसे करेंगे, द योर स्टेमिना विल बिकम, उतनी ज्यादा आपकी स्टेमिना हो जाएगी। द एम इज नेवर टू ओवर डू इट, उद्देश्य कभी नहीं है कि इसे बहुत ज्यादा कर देना। बट टू एंगेज रेगुलरली, लेकिन प्रतिदिन करना, मतलब ज्यादा नहीं कर देना लेकिन प्रतिदिन करना। टू गेट स्ट्रॉन्गर, जो आपको मजबूत रखता है। एंड मोर स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल रखता है। स्टेबल मतलब स्थिर, स्थिर मतलब स्टेबल का मतलब आपका काम करने की जो क्षमता है वो आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, यानी आप ताकत रहते हैं और आपका मोर स्टेबल बढ़ जाता है ओवर टाइम, ज्यादा समय में आपका स्टेबल बढ़ जाता है। मीन्स आप ड्यूरेशन ज्यादा, कि अगर आप 2 घंटे काम कर सकते हैं तो इससे आप काम 3 घंटे कर लेंगे। बताइए पहले हम क्या लगाएंगे? डिप्स। एक्चुअली ये त्रिकोण आसन के फायदे बताया जा रहा है। सारे घटना पास्ट है कि प्रेजेंट है? सब प्रेजेंट है। तो कह रहा है कि त्रिकोण आसन या ट्रायंगल पोज प्रेरित करता है फंक्शन ऑफ द इंटायर बॉडी एंड, और आसन सिंगुलर है तो क्या बोलेंगे? एंड गिव्स, और देता है लेटरल स्ट्रेस टू द स्पाइन। भाई आप त्रिकोण आसन चाहे ऐसे करिए, चाहे आगे जाइए चाहे पीछे जाइए, जाना सब में वही है। इट हेल्प रिड्यूस ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। प्रैक्टिस दिस आसन एवरी डे एंड यू विल, और आप पाएंगे। यू विल क्या? यू विल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यू विल गेन, और आप गेन करेंगे स्ट्रेंथ इन द एंकल्स, थाई, नी, हिप्स, काप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स, ऑल स्टैंडिंग पोजेज, सभी स्टैंडिंग पोजेज। क्या करेगा? फिर घटना प्रेजेंट है, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या किया गया है? हाँ, ये भी प्रेजेंट है तो क्या होता है? बिल्ड और बिल्ड और बिल्ड, तो जाहिर सी बात है ऑल स्टैंडिंग पोजेज प्लूरल है, क्या लिखेंगे? यानी सभी स्टैंडिंग पोजेज बनाती हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बनाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब, क्या? कार्डियो मतलब कार्ड, हृदय, वैस्कुलर मतलब मांसपेशियां। हार्ट अटैक क्या है? कुछ होता थोड़ी है, दो ही ऑप्शन बनता है, या तो हमारा जो हार्ट है, हार्ट में हमारे जो मांसपेशियां हैं यानी जो उसकी मसल्स हैं, ये मसल्स क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, कमजोर। और जब ये कमजोर हो जाएगा तो वो पेस नहीं बना पाता, वो जो गति बनाता होगा वो नहीं बना पाएगा, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, और अगर आप कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खाएंगे और साथ ही साथ आप कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ आप सैचुरेटेड फैट है। अब सैचुरेटेड फैट क्या है? संतृप्त वसा। संतृप्त वसा मतलब भी पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग पता चला पराठा खाते थे, रोटी में ऊपर से तेल घी लगा खाते थे। आजकल लोग सीधे तेल में डुबो के छान के निकाल लिए, और सोचिए तेल कितना ज्यादा आदमी खा रहा है, ऊपर से लगा के खाया, तेल में ही डुबो के छान के निकाल लिया, तो पूरा सैचुरेट कर लिया। अच्छा चलो, एक बार था अच्छा था,
वही तेल दोबारा यूज कर लीजिए तब, तो पता चला अगर समोसा एक बार निकला गरम था, 100 निकाल लिया नहीं बिका, तो कुछ लोग कहते नहीं नहीं गरम चाहिए, भाई जब एक बार फिर से निकाल के दे दीजिए, एक लेयर तो बनाया था, अब एक लेयर फैट का और बना लेगा, अब सैचुरेटेड फैट है, अब वो फैट जब हमारे शरीर में कहीं जाएगा तब जम जाएगा, अब वो जम जाएगा तो इसको पिघलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11.3 प्रति सेकंड के स्पीड से उसको गति दे दीजिए पलायन कर जाएगा, हम तो 11.3 नहीं लेकिन कम से कम वो काइनेटिक काम करे, अब कोई आदमी आराम से ऐसे ऐसे झुकी होगा किया फिर ऐसे खड़ा हो गया कहा अब आराम मिला, उसका कुछ सैचुरेटेड फैट हटेगा, हटेगा नहीं, मतलब आप उतना एक्सरसाइज करिए बर्न हो जाए, और नहीं बर्न होगा तो क्या होगा, जो धमनियां होंगी उसमें वो फैट कहां जमेगा, धमनियों के अंदर, और जब वो अंदर जो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बार बार क्या करेगा रुकेगा, और ब्लड प्रेशर जैसे रुकेगा तो फिर ब्लड को शुद्ध करने काम करता कौन है, वही हार्ट पर प्रभाव डाल देगा, यही हार्ट अटैक है। अब पता चला कि एक तो ये अंदर से समस्या थी और उधर आप ज्यादा सोचते भी थे और समस्या हो गई, इसीलिए कहा जाता है कि अगर हार्ट में मान लीजिए थोड़ा बहुत फंसा भी है फैट, आप खूब हंसे, और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत फैल गया और निकल गया आगे प्रेशर से तब तो बच गए ना, लेकिन अब आदमी हंसता कहाँ है, तो चलो कपिल शर्मा कम से कम थोड़ा बहुत हंसा देते हैं भाई, ये सब रीजन है, कपिल शर्मा को और कोई क्यों देखता है, जैसे आप हंसते दिन भर में नहीं हंसते, अब आजकल हंसता हंसते कहाँ है, जब स्माइल प्लीज बेचारे यहीं पे रह गए बस, ऐसे हंसने के नाम पर बस थोड़ा सा ओठ मुंह ऐसे फैल जाएगा बस, सब इतने समझदार हो गए कि मुस्कुराना ही भूल गए, अब कहाँ हंसते हैं, पहले के लोग देखिए हंसते हैं तब, सीएमपी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है फिलॉसफी डिपार्टमेंट में, डॉक्टर पवन सर फिलॉसफी में है वो, आप जाइए उनसे मिल के आइए, उनसे कभी जाइए मिलिए और सवाल पूछिए, नहीं आया ये वाला ऐसे लगा दिए होते फालतू हंसते रहते, हाँ हंसेंगे कहेंगे नहीं आया बेवकूफ ऐसे कर दिए होते मतलब मैं उनको चार चवार देखा ना, देख के मैं उनको फ्रस्ट्रेट हो जाता था, कि मुझे लगता था कि कुछ मैं बहुत छोटी गलती कर दी है क्या शायद, लेकिन ये बाद में पता चला कि वो ऐसे हंसते ही रहते हैं, वो हंसते इतने रहते हैं कि मुझे लगता है कि इस समय लगभग 1.25 क्विंटल के होंगे वो, हाँ 1.25 क्विंटल के, हाँ 1.25 बोरा कह लीजिए एक बोरा इक्वल टू 1 क्विंटल, और लेकिन ये है कि हाँ एकदम बढ़िया, वो कम से कम मुझे लगता है कि वो 24 घंटा में अगर 12 घंटा मीन जागते होंगे तो कम से कम 3-4 घंटा तो हंसते होंगे वो फालतू, तो नेचर भी होता है वो, तो यहां पर क्या लगाएंगे बेल्ट, तो ये सब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहा है, मीन्स आप अपने हार्ट की मांसपेशियों को क्या करिए मजबूत रखिए। फिर क्या है, सो द मोर यू डू इट, इसीलिए आप जितना इसे करेंगे, अच्छा पैरेलल का सेंस आएगा कॉम्पेरेटिव डिग्री है, और जब कॉम्पेरेटिव डिग्री का पैरेलल का सेंस, तो यहां भी कॉम्पेरेटिव तो यहां भी कॉम्पेरेटिव, और दोनों के पहले हमेशा आर्टिकल द मोर यू डू इट द योर स्टेमिना, उतना ज्यादा आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी, तो सीधे देखिए कॉम्पेरेटिव, कॉम्पेरेटिव में कौन द बेटर, उतनी अच्छी आपकी हो जाएगी स्टेमिना विल बिकम, द एम इज नेवर डू टू ओवर डू इट, टू इंगेज रेगुलरली, इंगेज देखिए आपका उद्देश्य नहीं है इसे ज्यादा, उद्देश्य नहीं है, एम इज नेवर टू ओवर डू इट बट टू इंगेज रेगुलरली दैट यू गेट स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल ओवर टाइम। क्या करेंगे देखिए, इनका कहना है कि बट द एम इज नेवर टू ओवर डू इट, उद्देश्य कभी ज्यादा करना नहीं है, बट टू इंगेज रेगुलरली, लेकिन अगर आप डेली करते हैं तो सो दैट, ताकि ताकि क्या हो जाए, ताकि यू गेट स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल ओवर टाइम, सो दैट का मतलब होता है ताकि, और ताकि का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है,
चलिए अगले सेट पर आते हैं, सेट नंबर 39। स्पॉटिंग एरर है, पहले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। चलिए अब शांत होइए, देखिए क्या है। सी वाज सो नियर, वह बहुत पास थी टू अचीविंग हर गोल, अपना लक्ष्य पाने के, वह अपना लक्ष्य पाने के बहुत पास थी। देखिए नियर टू लेता है, क्लोज टू लेता है, नेक्स्ट टू लेता है, ये नोट करिएगा। ये तीनों वर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन है, जिसे ना तो आप हटा सकते हैं ना तो आप बदल सकते हैं। और रूल क्या कहता है, प्रपोजिशन के बाद अगर कोई क्रिया आती है तो हमेशा आईएनजी में। तो सी वाज सो नियर टू, टू के बाद आईएनजी दिया, ठीक है आंसर, नो एरर, कोई गलती नहीं। लॉजिक मत लगा लीजिए, अगर टू प्लस बी वन, धोखा हो जाएगा। ही वॉच्ड, उसने देखा, एच जैसे फाइट लड़ाई, ब्रोकआउट, ब्रोकआउट मतलब फैल गई, उसने देखा कि लड़ाई फैल गई अलोंग द सिटी, शहर के। देखिए अलोंग एक प्रपोजिशन है जिसके द्वारा हमेशा डायरेक्शन का भाव आता है, दिशा, दिशा का मतलब ये होता है, जैसे आप कहते हैं अलोंग द रोड, अलोंग द रोड का मतलब मैं उस वैसे गया जैसे सड़क थी। मान लीजिए मैं सुबह सुबह उठता हूँ और उठकर नदी के किनारे किनारे टहलता हूँ, तो मैं लिख दूंगा अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, तो जैसे जैसे नदी का किनारा होगा वैसे वैसे टहलता हूँ। तो अलोंग जब भी आएगा भावार्थ किसका देगा, डायरेक्शन का। अब वो कहना चाह रहा है शहर, तो शहर अलोंग कोई डायरेक्शन है कि पूरे शहर की बात कर रहा है, और पूरे शहर का मतलब है कि आप प्रयोग किसका करेंगे, अक्रॉस द सिटी यानी पूरे शहर में, इस पार से उस पार तक। तो उसने देखा कि लड़ाई पूरे शहर में फैल गई, तो क्या बोलेंगे, अक्रॉस द सिटी। एवरीवन वाज प्लीज्ड, सभी खुश थे, टू लर्न सीख कर, दैट द एक्टर वुड हिज रोल एक्टिव पायरेट, वर्ड पावर है, अर्थ समझना है। चलो मैं बताऊं, एवरीवन वाज प्लीज्ड, सभी खुश थे, टू लर्न सीख कर, सब खुश थे टू लर्न सीख कर, क्या एक्टर वुड, सब्जेक्ट एक्टर करेगा, हिज रोल उनके रोल का, एज क्योंकि, एज कैप्चरटिव पायरेट यानी एक, कैप्चरटिव मतलब कैद में आए हुए, पायरेट मतलब समुद्री लुटेरा, एक समुद्री लुटेरे के बंद के रोल में सभी उसके रोल का क्या करेंगे, रिप्राइज करेंगे, मूल्यांकन, रेस्क्यू बचाना, सेव बचाना, फ्री स्वतंत्र, तो आंसर क्या लगाएंगे, रिप्राइज। अच्छा ये देखिए रिप्राइज है, और ये क्या है, रिप्रेज है, ये इनफॉर्म है, सूचित करना, ये दोनों वर्ड बड़ा अच्छे हैं, रिप्राइज और रिप्रेज बहुत कंफ्यूज कराएगा। ये मूल्यांकन या आकलन होता है, तो हम किसी के रोल का क्या करेंगे, आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उसी के अनुसार हम डिसीजन लेंगे। और ये क्या है, सूचित करना।
ओके द डायमंड नेकलेस वॉच टू एक्स्ट्रा बैगन फॉर अ सिंपल डिनर पार्टी। क्या कह रहा क्वेश्चन? द डायमंड नेकलेस, डायमंड का हार, डायमंड मतलब हीरे का हार वाच था, टू एक्स्ट्रा बैगन बहुत खर्चीला था, फॉर अ सिंपल डिनर पार्टी मतलब एक सिंपल डिनर पार्टी में जाना है। अब सिंपल डिनर पार्टी में जाना है और इतना हम बढ़िया डायमंड का हार पहन कर जाएं, ये बेकार है। अब कुछ सस्ते से काम चलाना पड़ेगा, और महंगी पार्टी होती तब भी उसी हिसाब से ना, बारात जाएंगे तो आप क्या पहन के जाएंगे? थोड़ी है कि लुंगी और शर्ट पहन के चले जाएंगे, वो अलग बात है, साउथ वाले जाते हैं। अब क्लास जाएंगे तब क्या पहन के जाएंगे? तो वही कुछ कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि एक सिंपल पार्टी है और सिंपल पार्टी के लिए डायमंड नेकलेस को पहनना बहुत खर्चीला था। बहरहाल डिस्टेंस होता ही नहीं है, लॉन्ग होता भी नहीं है, वेरी मच होता भी नहीं है, फार टू होता ही है। फार एडवर्ब है जो किसी को इम्फेसाइज करता है, और इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, किसी भी एडजेक्टिव को इम्फेसाइज करने के लिए फार, बाय फार, स्टिल, रदर, फेयरली, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या लगाएंगे? फार टू एक्स्ट्रा वैगन, बहुत महंगा था। सिमिलर इन मीनिंग फैलेसी आपको बताना है, साइनो। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे फैलेसी की, फैलेसी इनकोहेरेंट इरेशनल, फैलेसी ये होता है अतार्किक, ये होता है कुतर्क। अब इसी को जोड़ना चाहे तो इलॉजिकल, ये क्या है? इलॉजिकल, ऐसी बात जिसका कोई तर्क ना हो। अतार्किक है कुतर्क, समझ रहे ना? अब जस्ट इसका अपोजिट होता है जो रीजनिंग हो, जो रीजनेबल हो, जो रेशनल हो, जो कोहेरेंट हो, जो सुसंगत हो, जो तर्क संगत हो, जो उचित हो। अब इसका साइनो सब इनअप्रोप्रिएट है, अनुचित। मिलता जुलता तो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया, बट काम चलाना पड़ेगा। अतार्किक से क्या बन सकता है? कन्फॉर्मिटी होता है समरूपता, कन्फॉर्मिटी जो किसी के अनुसार रहे। श्योरिटी क्या है? निश्चितता है। बायस क्या है? पूर्वाग्रह है। एविडेंस क्या है? साक्ष्य है। तो बेहतर ऑप्शन आप प्रेफर किसको करेंगे? हाँ, साक्ष्य को। पता है फैलेसी मतलब जो तर्क की बात करता है, जो रीजनेबल हो। कुछ लोग बिल्कुल अंधभक्त होते हैं, कुछ नहीं है, जैसे कुछ बायस होते हैं, भक्त हैं कि ये कहे हैं तो ठीक ही कहे होंगे, मतलब तर्क नहीं होता। तो क्या इसका ये साइनो है या यहां हो सकता है?
है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है, क्योंकि अतार्किक कौन होता है? जो बिना किसी सुसंगत के बात करे, जो बिना किसी लॉजिक के बात करे, जो बिना किसी रेशनल के बात करे, जो बिना किसी तर्क के, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग कौन होते हैं? बायस होते हैं। समझ रहे ना बात को? रिप्रोच, ये जो रिप्रोच होता है ना, ये होता है रिप्रोच। इसका दो पार्ट, एक पार्ट हो सकता है डांटना, एक होता है भला बुरा कहना यानी निंदा करना। देखिए दो ऑप्शन में कहीं ना कहीं गया होगा ये, या तो डांटना में जाएगा या तो निंदा बुराई करना। कमेंड क्या है? कमेंड है प्रशंसा करना। अगर सी ओ एम एम ए एन डी होता तब आदेश हो जाता। लॉर्ड भी क्या है? लॉर्ड, ये भी प्रशंसा। एग्जोनरेट क्या है? आरोप से बरी, आरोप से बरी। एडमोनिस क्या है? डांटना फटकारना। तो आंसर क्या होगा? डी, एडमोनिस। समझ रहे बात को? अब अगर इसको देखा जाए तो हम लोग ले लेते हैं एडमोनिस, चाइड, रिब्यूक, स्कॉल्ड, रिप्रिमांड। टेक अ टास्क, गिव अ पीस ऑफ माइंड, रिप्रोच, रिबफ, रिप्रूफ। अच्छा, रिप्रूफ भी डांटना है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते। प्रूफ मतलब साबित करना, रिप्रूफ फिर से साबित करना। धोखा हो सकता है इस वर्ड में। अब अगर इसी को निंदा करना ले लिया तब डिक्राई, डिनाउंस, कंडेम्न, क्रिटिसाइज। अच्छा, सबसे अच्छी बात है एंटो दोनों का सेम होता है। एंटो इसका भी प्रेज होता है, डांटने के बजाय प्रशंसा, और भला बुरा कहने का भी इसका एंटो होता है प्रेज, प्रशंसा। एंटो दोनों का सेम होता है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? एडमोनिस, बेनिरेशन। बताना है आपको इसका अपोजिट। बेनिरेट से बन गया है बेनिरेशन। वैसे देखिए बेनिरेट का दो अर्थ, बेनिरेट का एग्जैक्टली जो मतलब होता है ना, बेनिरेट और रिवर, पूजनीय, श्रद्धेय, पूजनीय, श्रद्धेय। बेनिरेट
ये आता है बस पेरेंट्स टीचर्स एंड गॉड, पेरेंट्स टीचर्स एंड गॉड, बेनिरेट एंड रिवर। और ऑनर आता है ये पोस्ट के लिए आता है। रिस्पेक्ट आता है टू ऑल, सबके लिए आता है। रिस्पेक्ट, ऑनर, रिवर, बेनिरेट, श्रद्धे, बेनिरेशन का मतलब होता है श्रद्धा। अब इसका अपोजिट क्या होगा? एडोरेशन। एडोरेशन क्या है? वैसे एडोरेशन साइनो भी हो सकता है और एडोरेशन सजाना भी होता है। कंटेंप्ट क्या है? घृणा। ये क्या है? साइनो। ये क्या है? प्रशंसा। अच्छा, ये भी ऑप्शन प्लस, ये भी ऑप्शन प्लस, ये भी ऑप्शन प्लस, और ये वर्ड प्लस, ये भी वर्ड माइनस। तो अपोजिट कौन सा? प्लस का अपोजिट माइनस। थोड़ा सा फायदा मिल जाता है अगर हमको वर्ड के बारे में पता होता ना, थोड़ा अच्छा बुरा। इम्पग्नेबल, अगेन आपको अपोजिट क्या करेंगे? इम्पग्नेबल क्या होता है? इम्पग्नेबल बताइए। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा इसको, आप बताइए इसको। क्या होता है मतलब? इम्पैग्नेबल होता है कि जो चीजें अपने आप में बहुत भेदनशील और कमजोर हो, जिसको संदेह किया जा सके। तो बिल्कुल इसे कहते हैं सेप्टिक, इसे बोलते हैं ड्यूबियस, इसे बोलते हैं डायलेमा, दुविधा, संदेह, जहां दो चीजों में आदमी को परेशानी हो, एक तरीके से देखा जाती है अपने आप में, और क्या है? एम्बिगस है, द्विअर्थी। अब डाइसी, अस्पष्ट, डिबेटेबल, जिस पर विवाद किया जा सके, है जी। तो बेस्ट ऑप्शन वैसे क्या लगा दिया? इंड्यूबियस। ड्यूबियस था, इंड्यूबियस लगा दिया, जो संदेह से परे हो, जिसमें किसी प्रकार की दुविधा ना हो। तो ये संशय या दुविधा होता है। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी किसी को नेल से सिर पर मारना, नेल से सिर पर मारना, इसे क्या कहते हैं? कहते सही जगह पर सही निशाना, सही जगह पर सही निशाना। हिट द नेल ऑन द हेड, तो क्या होगा? टेक आउट फ्रस्ट्रेशन बाई बीटिंग अ पर्सन, एक व्यक्ति को पीटते हुए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना। मेक अ रॉन्ग डिसीजन, गलत निर्णय। टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, अनविटिंगली फॉल इन टू अ ट्रैप। फॉल इन टू होता फंस जाना, ट्रैप मतलब जाल में, और अनविटिंगली मतलब होता है बेवकूफी पूर्वक, बिटिंगली होता है बुद्धिमत्ता पूर्वक, बिट अच्छा वर्ड है, बुद्धिमत्ता पूर्वक, और अनबिटिंगली होता बेवकूफी पूर्वक। तो जो बेवकूफी पूर्वक किसी के फंदे में फंस जाए, फॉल इन टू, आंसर कौन सा? सी, सही निशाना। आन थिन आइस, आन थिन आइस, रिस्की, चांसी, डेंजरस। टू कीप फेलिंग आफ्टर रिपीटेड एफर्ट्स, बार बार प्रयास के बावजूद असफल होना। इंड्योर अ हैरास विंटर, बहुत ज्यादा ठंडी का सामना करना। कीप वंस कूल इवन इन अ टफ सिचुएशन, मुसीबत में भी शांत रहना। इन अ प्रिकेरियस आर रिस्की सिचुएशन, ये है प्रिकेरियस, भी बहुत अच्छा वर्ड है, डेंजरस, जो जोखिम भरे स्थिति में हो। आल वाज सरप्राइजिंग,
टू फाइंड दैट ही वॉज नॉट विद देम। सभी आश्चर्यजनक हो रहे थे कि वह उसके साथ नहीं था। ये बताइए, सभी सरप्राइजिंग तो हो रहे थे कि सभी आश्चर्य थे। अगर किसी वर्ब को एडजेक्टिव बनाना होगा तो इसके लिए आपके पास एक विकल्प है कि आप वर्ब को बना दीजिए पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल बनाने के आपके पास तीन तरीके हैं, या तो आप प्रेजेंट में बना दीजिए, या तो आप पास्ट में बना दीजिए, या तो आप फ्यूचर में बना दीजिए। फ्यूचर बनाएंगे ना परफेक्ट होता है, नहीं कहोगे फ्यूचर में। ये क्या है बी वन प्लस आई एन जी, ये क्या है बी थ्री, और ये क्या होता है हैविंग प्लस बी थ्री। तो वह आश्चर्य तो सभी सरप्राइजिंग नहीं थे, सभी सरप्राइज थे। तो आंसर क्या लिखेंगे, फंसा दिया आल वाज की आल वर। अब जो लगाना लगा दीजिए। हाँ ए, अच्छा मान लीजिए मैंने बोला हाउ आर यू, ए आई से बोल दूं, ए आई से बोल दूं व्हाट्स अबाउट यू, या बोल सकता हूं हाउ आर यू, तीन तरीके से बोला जाता है। या शुद्ध रूप से बोला जाए तो हाउ डू यू डू, ये शुद्ध है 100% ग्रामर। तो मैं पूछ रहा हूं आप कैसे हैं, तो आपको बोलना सब बढ़िया है। तो सब बढ़िया तो कैसे बोलेंगे, आपको रिप्लाई करना है तो कैसे बोलेंगे, हाँ ऑल इज वेल, आल इज वेल की आल आर वेल, हाँ आल इज वेल, ये गलत है। समझ रहे ना, अभी देखिए समझाना क्या चाह रहा हूं। यहां तक तो कोई डाउट, मैंने पूछा क्या हाल चाल है, आपने बोला सब बढ़िया। अब हम एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछने चल रहे हैं, पूछ रहा हूं व्हाट्स अबाउट फैमिली, परिवार का क्या हाल चाल है, बीवी बाल बच्चे मम्मी पापा। तो अब आल इज नहीं, अब आपको रिप्लाई करना है, और रिप्लाई बोलेंगे आल इज वेल, और रिप्लाई है आल आर वेल। ये गलत, ये सही। तो व्हाट्स अबाउट फैमिली मीन्स मैं पूछ रहा हूं और सब कैसे हैं, तो और सब मतलब आल आर वेल, मतलब सब सही है। तो जब भी अगर इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबके बारे में, और जैसे आपने एक शब्द में बोलना आल इज वेल, सब सही है, धान गेहूं चावल खेत जानवर हम सब लोग ठीक है, तो आल इज वेल मतलब अगर आपके साथ अच्छा हुआ तो भी ठीक, बुरा हुआ तो भी ठीक। अब आल आर वेल का मतलब घर में सब लोग अच्छे हैं, समझ रहे ना। तो अगर कोई आपसे दुर्थी बात पूछे इस तरह तो भी बोलिए आल इज वेल, लेकिन अगर कोई पूछ लिया व्हाट्स अबाउट फैमिली, व्हाट्स अबाउट चिल्ड्रेन, व्हाट्स अबाउट ब्रदर्स, व्हाट्स अबाउट सिस्टर्स, व्हाट्स अबाउट पेरेंट्स, तो पहले से जान लीजिए वो दो लोगों की बात कर रहा है, तीन लोगों की बात कर रहा है, तो आप सीधे बोलेंगे आल आर वेल, फिर आल इज वेल नहीं बोलेंगे। ये समझ में आई, अब जरा यहां अप्लाई कर लीजिए। कह रहा है कि सभी आश्चर्यचकित थे पाकर कि ही उसके साथ नहीं था, जो ही था ना ही इसके साथ नहीं था। तो कितने लोग आश्चर्यचकित थे, उसी के परिवार वाले के मोहल्ले वाले भी सब थे, तुम भी थी। हाँ वो पर्टिकुलर बात कर रहा है ना, तो क्या बोलेंगे ऑल वर सरप्राइज, सभी आश्चर्यचकित थे। समझ रहे ना बात को, क्योंकि वो उसमें लिमिटेड की बात कर रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि हम प्रिफर किसको करेंगे प्लूरल को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रीड इन ऑर्डर बिकम वाइज, पढ़ो ताकि बुद्धिमान बन जाओ। अच्छा वैसे भी ध्यान रखिएगा, इधर देखिए
सो दैट और इन ऑर्डर दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट, जिसका मतलब होता है ताकि। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, क्लाज हमेशा अस्पष्ट होता है, क्लाज हमेशा अस्पष्ट होता है। और एक होता है सो एच टू, और इसी के स्थान पर बन जाता है इन ऑर्डर टू। ये ध्यान रखना है कि इसके बाद क्लाज अस्पष्ट नहीं होता है, इसके बाद क्लाज अस्पष्ट नहीं होता है। लिख लिए, मतलब इन दोनों के बाद क्लाज अस्पष्ट होता है और इनके बाद क्लाज अस्पष्ट नहीं होता। समझ गए बात को? तो इस आधार पर जैसे देखेंगे, रीड पढ़ाई करो इन ऑर्डर टू, ताकि क्या बन जाओ, बुद्धिमान, इन ऑर्डर टू बिकम, ताकि बुद्धिमान बन जाओ, पढ़ो ताकि बुद्धिमान बन जाओ, बिकम है, ठीक है। बी मतलब होना, होना, दोनों में अंतर बताइए, मतलब बी को ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ओरिजिन होता है, किसी का मूल रूप। दूध सफेद होता है, बाल काले होते हैं, सेब लाल होता है, टमाटर लाल होता है। और बिकम मतलब होता है हो जाना, हो जाना, दूध सफेद से लाल हो जाता है। भाई अधिक दूध उबाल लीजिए, देखिए क्या होगा, अधिक उबला दूध लाल हो जाता है, बाल सफेद हो जाता है, होता है नहीं। तो जहां परिवर्तन, तो पढ़े ताकि बुद्धिमान हो जाइए, तो बुद्धिमान होता नहीं है, सब पढ़ पढ़ कर बुद्धिमान हो जाते हैं, और बिना पढ़े सब बेवकूफ भी हो जाते हैं, इसलिए पढ़ाई करिए। शोइंग स्ट्रांग फीलिंग, जो बहुत ज्यादा भावना को दिखाता हो, स्ट्रांग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने वाला क्या होगा? मी कौन है? दब्बू, दब्बू मतलब जो दबाने से दब जाए, है यही, दबाने से दब जाए, मतलब जो भाई कुछ बोल रहा है, चार लोग आप बोलने लगे तो क्या करेगा, चुप हो जाएगा बेचारा, दब्बू है, कमजोर है। बेहिमेंट क्या है? प्रचंड है, हाँ, ये प्रचंड मतलब प्लस, अच्छा वर्ड है। और इसका एक निगेटिव भी है, इसका निगेटिव होता है उजड, ये निगेटिव होता है, कुछ बहुत उजड होते, उजड मतलब हाँ कुछ नहीं जो समझ में आया, जैसे होता है ना कोई बैल है, अगर वो बैल अगर प्रचंड है, ताकतवर है, तो खेत लगा दीजिए, दिन भर में 2 बीघा जोत डालेगा। और कुछ बैल है बड़े उजड है, जोत एक भी नहीं पाएंगे इधर उधर का जो है उसको गिरा के जरूर इधर उधर कर देंगे। तो लेकिन है दोनों, कम से कम दोनों के अंदर, क्योंकि अब देखिए उसने स्ट्रांग फीलिंग ना प्लस पूछा है ना माइनस पूछा, उसने पूछा जिसके पास स्ट्रांग फीलिंग हो, तो स्ट्रांग फीलिंग दोनों है, वो चाहे उजड हो चाहे प्रचंड हो। पैथ मतलब भावना, अपैथ हो गया जिसके पास भावना ही ना हो, ये भावनाहीन है, तो ये कौन है? उदासीन है। पोटेंट मतलब होता है शक्तिशाली, और इम्पोर्टेंट हो गया तो जिसके पास शक्तिशाली ना हो, यानी ये कौन है? शक्तिहीन। समझ रहे ना? तो
तो इम्पोर्टेंट शक्तिहीन अपैथेटिक उदासीन डोरमेंट होता है प्रचंड मीक मतलब डब्बू। अच्छा डब्बू मतलब समझ रहे हैं, डब्बू मतलब क्या, डब्बू मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी बैकवर्ड एंड इज एंड फील वेरी हेजिटेंट टू एक्सप्रेस दियर फीलिंग्स। वह व्यक्ति जो बड़ा कमजोर हो और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत हेजिटेट महसूस करता हो, नर्वस होता हो, मीक है, ये पिछड़े के लिए आता है। डायमेंट प्रचंड है, अपैथेटिक उदासीन, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट फीलिंग, और ये है नॉट पावरफुल। आंसर बी। अ सीट फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड म्यान। ये तो ऐसे भी लगा देंगे, क्या है सीट होता है म्यान, म्यान फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड, तलवार की ब्लेड के लिए, तो क्या होता है स्कैप बार्ड। डेन्यूड क्या होता है, नंगा, ओपन, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि तलवार क्या करेंगे, खुली तलवार रखिए, नंगी तलवार, कुछ मत लगाइए उस पर। और डाइवल्ज क्या है, उजागर करना, प्रकट, खुलासा। एक्सपोज भी क्या है, एक तरीके से देखा जाती तीनों साइनों जैसे हैं, ये तीनों साइनों जैसे है, डेन्यूड है, डाइवल्ज है, एक्सपोज है। जैसे अब नया वाला गैस सिलेंडर आ गया है, नया वाला गैस सिलेंडर देखे नहीं देखे, फाइबर का आ गया ना, लोहे का नहीं रहता, वजन भी कम रहेगा, विस्फोट भी नहीं होगा, और गैस बाहर से दिखती रहती कितना है, तब आपको चिंता भी नहीं उठा उठा के ऐसे से हिलाने की, बचा है कि है, झुका देने को दिखता रहेगा। और दूसरी बात, उसमें अब ऐसा बनाया गया है ताकि वो, अगर उसमें से पहली बात गैस रिसाव होगा ही नहीं, और गैस निकलेगा तो गैस निकलेगा नहीं, उसी में शुष्क अवस्था हो जाएगा, जलेगा नहीं, तब उससे फायदा है, कोई चिंता की बात नहीं है। बदलवाना चाहे आप बदलवा लीजिए, 3000 कुछ रुपए लग रहा है उसका, 3000 कुछ रुपए का सिलेंडर है नया वाला, केवल सिलेंडर सिलेंडर, और आप वाला जो जाएगा इसका भी दाम कुछ कटेगा ना, मान लीजिए हाँ जो भी है, कितने का है लोहे वाला, कितने का आता है, 1300, हाँ 1300, तो मान लीजिए कंपनी वाला 1000 लेगा, और 2000 रुपए जमा करके ले लीजिए, तो सब डेन्यूड है, वो सब अच्छे पार्ट है, तो डेन्यूड सिलेंडर है ताकि वहां पर ये है कि गैस दिखता रहेगा, चोरी भी रुक जाएगी, बहुत सारे फायदा है, सेफ्टी ज्यादा है, लीकेज नहीं होगा। अब चोरी वाला उसमें लिखा रहेगा 14 किलो यहां तक, चोरी वाला ले आया तो कहो भाई नीचे तक कैसे है, कुछ उसमें वो भर नहीं सकता, वो भर देगा तो लिक्विड है, गैस ऊपर हो जाएगा, लिक्विड नीचे, जो चीज नीचे बैठ जाएगा वो भी दिखेगा। बताना कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी स्पेलिंग सही है। हाँ, वादी जो किसी के खिलाफ मुकदमा करता है, लिटिगेंट, सी, वादी। अब बताना है स्टोइक, बना दिया है स्टोइकली, कौन होता है स्टोइक, बैरागी, और क्या हो गया है स्टोइकली, आंसर कौन सा, बिल्कुल आसान पी क्यू आर एस है, क्या लगाएंगे, द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द, यानी कह रहा है जगह इन फ्रंट ऑफ द लार्ज, लार्ज मतलब एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए, नाउन, और नाउन मतलब ऑप्शन कौन सा, यक्स, यानी ऑप्शन कितने, दो, तो लार्ज हट, वाज इम्पटी, यानी कि एक बड़ी सी झोपड़ी की जगह के सामने जगह खाली थी, बट लेकिन, लेकिन क्या था, हाँ अब एक्स, लेकिन बट का मतलब अगले कंजंक्शन आएगा, तो बट प्लेस्ड बिफोर सेवरल स्टूल्स, नहीं,
बट बिफोर इट वर प्लेस्ड सेवरल स्टूल्स, तो यक्स के बाद जेड वाई, आंसर कौन सा बी दूसरा, लेकिन बहुत सारे स्टूल उसके सामने रखे गए थे। फ्रॉम आवर कॉमन एक्सपीरियंस, हमारे सामान्य अनुभव से चलो ठीक है, अच्छी बात है, अनुभव है, अनुभव किसका, आप द रिलेशन मेंटल हर स्टार्ट आउट फिजिकल एंड द, वैसे जेड के बाद क्या आएगा वाई, फिजिकल एंड मेंटल, जेड वाई यानी पहले क्या आएगा यक्स, तो फ्रॉम आवर कॉमन एक्सपीरियंस आप द रिलेशन ऑफ द फिजिकल एंड द मेंटल हर स्टार्ट्स आउट, आंसर क्या यक्स जेड वाई, आंसर बी। द मेड वैक्यूम एंड डस्ट द हाउस एवरी डे, तो ऐसे जो मेड है वो साफ सफाई करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज ए मार्ग साथ थर्ड फॉर्म, दूसरा गलत काट दीजिए, तीसरा काट दीजिए, चौथा भी काट दीजिए, क्योंकि यहां पर इज बीइंग दे दिया, यहां वाज दे दिया, यहां पास्ट इंडेफिनिट हुआ, आंसर ए प्रेजेंट इंडेफिनिट इज ए मार्ग साथ थर्ड फॉर्म। द स्पेक्टेटर सेड बैबो गुड हिट, जय शाबाश बहुत बढ़िया, स्पेक्टेटर्स होता दर्शक, स्पेक्टेटर्स होता दर्शक, ऑडियंस होता श्रोता, दोनों में अंतर ध्यान रखिए, इसको पूछता भी है वन वर्ड में, किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले स्पेक्टेटर, नोट करो नहीं लिखोगे मालूम नहीं लिख लो, नहीं लिखेंगे तभी कंफ्यूज होंगे, स्पेक्टेटर्स कौन है, किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले, और फिर आगे लिख दीजिए व्यूअर्स, ये होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से देखने वाले, यूट्यूब पे देखने वाले कौन है, व्यूअर है, और फिर लिख लीजिए वाचर, ये होते पहरेदार, ये कुछ नहीं होता, ये फालतू कंफ्यूज करने के लिए आता बस, अब क्या लिखने लगे, अब मत लिखते, तीनों वर्ड कंफ्यूज करा देता है, बीवर वाचर स्पेक्टेटर, जैसे आप नाच वगैरह देखे ना, बिराह वगैरह सुने हैं नहीं सुने हैं, कभी क्लब वगैरह थिएटर देखा है, जहां डायरेक्ट आपके सामने कलाकार परफॉर्म करता हो, जैसे क्लास को भी देखा जाए तो एक तरीके से क्या है, मान लीजिए अगर हम एक्टर हैं तो आप स्पेक्टेटर होंगे नॉट ऑडियंस, तुम सामने देख रहे हो सब, अभी ये रिकॉर्ड करके दे दिया जाता लाइव क्लास के बजाय बीओडी बैच बन जाता तब व्यूअर हो जाते, फिर लाइव थोड़ी होता, और वाचर कुछ नहीं है, वाचर पहरेदार है। खैर आंसर बताइए उसका, तो उसने कहा है शाबाश, तो शाबाश मतलब सराहना किया, सराहना किया, सराहना किया, ये टेंस के कारण काट दीजिए, तो स्पेक्टेटर्स अप्लॉडेड जय जय जय, क्यों किया फॉर हिज गुड हिट, अच्छा जब अप्लॉड लगा दिया तो ब्रेबो नहीं आएगा, सुपर फ्लूअस अप्लॉड आ गया तो ब्रेबो नहीं आएगा, अब यहां पर है फॉर हिज गुड हिट, फॉर हिज गुड हिट दोनों सेम हो गया, द स्पेक्टेटर्स अप्लॉडेड जय फॉर हिज गुड हिट, दो उत्तर लगेगा, हाँ किताब में क्या दिया है, हाँ थोड़ा सा टाइपिंग में त्रुटि है, अप्लॉड दिया है, तब आंसर कौन सा ए, इसमें सुधार कर लीजिएगा। घटना शुरू हो रही है कहीं बीच से शुरू हो रही है घटना, पढ़िए जल्दी से, Thank you.
पढ़ लिए। देखिए क्या है, एंड देन और तब, अ फ्यू ग्लोरियस मिनट कुछ वैभवशाली क्षण, फिर कुछ वैभवशाली क्षण, इट वॉज टाइम या समय था, टू रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मतलब अनिच्छा पूर्वक, या समय था अनिच्छा पूर्वक, हेड असोर सागर के किनारे की ओर, टाइम द स्ट्रोक्स वर मोर फ्लुइड, स्ट्रोक्स मतलब प्रहार, प्रहार और ज्यादा, फ्लुइड मतलब तरल था, मीन्स ये कि प्रवाह ज्यादा तेज था, द मूवमेंट्स वर रिलैक्स्ड और यह क्षण बहुत शांति का था, आई टर्न्ड बैक और मैं वापस आया, ऑन लास्ट टाइम अंतिम समय में वापस लौटा, हेलो टू अ क्लाउन फिश, हेलो टू अ क्लाउन फिश यानी हमें क्लाउन फिश से कुछ हेलो किया, मुखातिब हुआ, बात किया, क्लाउन फिश मतलब, वैसे क्लाउन तो होता है जोकर, लेकिन यहां क्लाउन मतलब सुनहरी, जो रंग बिरंगी होंगी, द रीजन यही कारण क्यों आई केम टू द अंडमान्स, और यही कारण है मैं क्यों अंडमान आता हूं, आया केम है, यही कारण है मैं क्यों अंडमान आया, यानी लेखक कहां गया है, अंडमान निकोबार गया है, एज आई वॉच्ड जैसा कि मैंने देखा, इट प्लेड इसने खेला, हाइड एंड सीक लुका छुपी, इसने मेरे साथ लुका छुपी का, यानी मछली आती रही होगी, चली जाती रही होगी, फिर आ जाती रही होगी, तो लुका छुपी का खेल था, एक सी एनिमोन, एनिमोन कौन होता है, वही क्लाउन फिश, बिफोर फिस्किंग, अबे फिस्क दिया है, फिस्क मतलब मौज मस्ती करते हुए, मौज मस्ती करते हुए हमारे सामने जाने से पहले वह लुका छुपी का खेल खेली, मैं मछली है ना, वो आती जाती रही, कुछ कर रही होगी, सडनली अकस्मात, आई रियलाइज्ड मैंने महसूस किया, अ किनशिप मैंने अकस्मात महसूस किया, एक किनशिप महसूस किया, किनशिप मतलब, नहीं समझ पा रहे हैं, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा किथ एंड किन, क्या होता है, सगे संबंधी, नेपोटिज्म, अचानक मैंने महसूस किया कि अकिनशिप एक संबंध महसूस हुआ, किसके साथ, इस नीले सागर से, वाटर्स इस नीले सागर से, मतलब ऐसा लगा जैसे हमारा इससे कुछ संबंध है, इसने बुलाया और हम चले आए, क्योंकि कुछ संबंध है, द वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से, समझ में आया, लेखक कहां गया है, कहां टहल रहा है, असोर सागर के तट के किनारे पर गया है, और वहां उसकी मुलाकात किससे हुई है, क्लाउन फिश से, और उसके साथ खेला क्या है, लुका छुपी, और बाकी कहा कि कुछ संबंध हमको नजर आया कि ब्लू वाटर का किससे, बंगाल की, और जाहिर सी बात है कि सारी नदी बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी से देखिए फिर से आप नीचे हिंद सागर, और फिर से आप जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि अंडमान निकोबार कहां है, इधर ही तो है, नीचे है कि ऊपर है, तो श्रीलंका कहां है, दूर ज्यादा कौन है, श्रीलंका की अंडमान निकोबार, खैर आप उत्तर बताइए, कह रहा है कि एंड देन अ फ्यू ग्लोरियस मिनट लेट, दो ऑप्शन दे दिया है,
कौन ऑप्शन लेटर है? बी वाला, LATER की LATTER। हाँ, और यही आंसर भी होगा, लेटर बी को सुधार लीजिए। आप फ्यू ग्लोरियस मिनट्स लेटर, कुछ शानदार क्षण के बाद, इट वॉज टाइम टू रिलेक्टेंटली हेड अशोर, यह एक अनिच्छुक पूर्वक समय था आगे बढ़ने को, हेड मतलब आगे जाने को, किधर? अशोर, सागर के अशोर। कहां? टाइम, पहली बात टाइम तो आपका प्लूरल नहीं सिंगुलर है, ये दो तो काट दीजिए, और एट आता है तो द जरूर लेता है, तो बचा क्या? दिस टाइम, एट द टाइम होता है, तो यानी दिस टाइम द स्ट्रोक्स वर मोर फ्लूइड, यानी जो प्रवाह आ रहा था उसमें और ज्यादा प्रवाह था, यानी पानी बढ़िया आता था, ऊपर तक चढ़ जाता था, फिर वापस जाता था, टाइम और टाइट, द मूवमेंट्स मोर रिलैक्स, और इस क्षण ने और राहत दिया, मतलब हवा वगैरह अच्छी चल रही होगी। टर्न्ड बैक वन लास्ट मोमेंट, एक अंतिम क्षण में वापस आया, क्या करने? कहने, वापस आया, हेलो टू अ क्लाउन फिश, यानी हुआ कि मैं क्लाउन फिश से चलो हेलो कर लेते हैं, अंतिम समय में कहने वापस आया, समझ रहे? डरी टू अंडमान, और यही कारण था कि मैं अंडमान आया था, अब अगर हाय हेलो ना कहता तो फिर अंडमान गया क्यों था, यही कारण तो था। एज आई वॉच्ड, जैसे मैंने देखा, इट प्लेड, इसने खेला, हाइड एंड सीक, किसके साथ? एनिमोन के साथ, बिथ बिफोर फिस्किंग अबे, मौज मस्ती करते हुए भाग जाने से पहले, फिस्क मतलब ही होता है उछल कूद, मछली क्या करती है? मछली हमेशा फिस करती है, मछली के लिए हमेशा ये वर्ड आएगा, फिस्क आएगा, फ्रॉलिक आएगा, गंबोल आएगा, या जंप। मछली कभी देखा है कि एक जगह आराम से शांति से पड़ी रहे, मगर मच्छ थोड़ी एक वहीं सो जाएगी, मछली को सोते हुए आपने देखा है आज तक? मछली सोती ही नहीं सोती, हाँ? अरे बाहर निकाल के तुम अंदर जाके देख लो ना, क्या जरूरत उसको बाहर निकालने की, वो बाहर नहीं आ सकती, तुम तो अंदर जा सकती हो ना। अरे कृत्रिम वाला तो देखे ना, एक्वेरियम देखा है ना, मछली सोती ही नहीं सोती, तुम लोगों के जैसे थोड़ी एक दोपहर में दाल चावल खा के सो जाएगी, नहीं सोती है, कभी भी नहीं सोती है मछली, कभी भी अगर देखिएगा सोती भी ना, धीरे धीरे अपना पंख चलाती रहती, रीजन अगर वो पंख नहीं चलाएगी तो उसकी एक्टिविटी नहीं होगी, आगे उसके टेंटल हुक्स यानी उसकी जो मूंछ पर लगे हुए बाल, अगर वो हिलेगा नहीं तो पानी जाएगा नहीं, वो पानी जाएगा नहीं तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, अगर मछली स्थिर हो गई ना तो मर जाएगी, इसको कभी भी नहीं करती, नींद में भी रहती इधर उधर जाती रहती है, क्योंकि इसीलिए फिस्किंग आता है। सडनली आई रियलाइज द किनशिप विद द ब्लू वाटर्स, विद द ब्लू वाटर, दो के बीच रिलेशन कौन दिखाता है? ऑफ ब्लू वाटर्स आर द वे ऑफ, यानी इस बंगाल की खाड़ी के नीले पानी से अचानक मुझे कुछ संबंध महसूस हुआ, यानी कुछ इससे हमारा रिलेशन है, दोबारा फिर लेखक जाएगा वहां। अब नौकरी वगैरह मिल जाए तब तो कुछ जाने के बारे में सोचे, अभी बेचारे नौकरी नहीं मिल रही है। सेट नंबर 40, सेट नंबर 40, खैर आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप आसानी से दे लेंगे। देखिए कह रहा है, सेवरल ग्रेट बैटल्स, कई बड़े बड़े युद्ध हुए एमंग ब्रिटिश के बीच में और
अमेरिकन, संख्या दो है एंड लगा है तो क्या लगा देंगे, और बिटवीन का पेयर हमेशा बनता क्या है एंड, और बिटवीन के हमेशा आता कितने के लिए है, और एमंग कब आता है जब संख्या दो से, तो इसलिए आप एमंग को बिटवीन में चेंज करेंगे और आंसर बी। द स्ट्रीम गार्गलेट कॉन्टेंटेडली एज इट स्लोड टू राउंडिंग द बेंड, क्या लगाएंगे, नहीं क्लियर। द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब चलिए धारा मान लिया, अब ये क्या है गर्गलेट, इसका मतलब अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे तो सही और गलत भी नहीं बता पाएंगे, इसका अर्थ क्या निकलेगा, अच्छा इसका उत्तर देख लेंगे तब क्या आप लगता है व्याख्या कर लेंगे, समझ लीजिए जरा उत्तर देखकर। समझ लीजिए समझ में आया, क्या समझ में आया, हाँ समझ गए, एक्चुअली है क्या आप सीन नहीं समझ पाए, जो स्ट्रीम थी वो गर्गलेट थी, जब जब किसी चीज का तूफान चक्रवात आकर अंदर की ओर केंद्र बन जाए तो घूमेगी और घूमकर अंदर की ओर केंद्र बन जाता है, तो उसी कहते हैं स्ट्रीम गर्गलेट, यानी धारा चारों ओर घूम के खींच ली, कंटेंटेडली, कंटेंटेडली मतलब जानबूझकर खुद से, आज क्योंकि इट स्लोड, इसने स्लो किया, स्लोड स्लोड मतलब धीमा किया, क्या सही है, क्या होना चाहिए, स्लो का सेकंड फॉर्म स्लोड, थर्ड फॉर्म स्लोड, स्ले का सेकंड फॉर्म स्लीव, थर्ड फॉर्म स्लेन, ये कत्ल करना है तो ये ठीक है, यह स्लोड किया, टू राउंडिंग द बेंड, तो राउंडिंग द बेंड तो बेंड कर दिया, मोड़ दिया, और मोड़ कैसे दिया, राउंडिंग नहीं, टू राउंड द बेंड, तभी तो वो चक्रवात बनेगा। अच्छा इस तरह क्वेश्चन आता है ना तो अर्थ निकालने की होती है और दिमाग में फिगर ही नहीं बन पाता, वो कहना चाहे क्या रहा है, जब फिगर नहीं बन पाता तो हम सही गलत कभी निर्णय नहीं ले पाते। आंसर सी, राउंडिंग नहीं राउंड। द क्रिमिनल चेंज्ड हिज नेम, अपराधी ने अपना नाम बदल लिया, टू एन इन ऑर्डर टू एल्यूड द पुलिस, ताकि पुलिस से बच निकले, तो चोर ने अपना नाम बदल लिया ताकि पुलिस से बच सके, तो उसने अपना नाम कैसे बदला, हाँ अल्टरनेटिव क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है वन ऑफ दीज, इनमें से एक, अलायंस मतलब उर्फ, और ऑप्शन मतलब विकल्प, अनटू मतलब असत्य, तो लोग अपना नाम क्या रख लेते हैं अलायंस, तो द क्रिमिनल चेंज हिज नेम टू एन अलायंस इन ऑर्डर टू एल्यूड द पुलिस, ताकि पुलिस से बच सके। द माई हस्बैंड एंड आई हैड वॉच सो लाउड इट वोक आवर चिल्ड्रेन, मेरा मेरे पति से और बच्चे जाग गए, ज्यादा आवाज में क्या हुआ है, हाँ हाँ झगड़ा ही होगा और क्या होगा भाई, कोरल का मतलब, कोरल का मतलब वैसे एक अर्थ मूंगा है, भूगोल वाले बताते होंगे
कोरल का एक दूसरा अर्थ प्रारूप होता है, डिजाइन। मोरल का मतलब नैतिक से है। लॉरेल क्या होता है? हाँ, मांस, मान सम्मान। वैसे जो लॉरेल होता है, लॉरिएट होता है, लॉरिएट सिप। लॉरिएट का मतलब होता है दरबारी कवि। लॉरेल होता है जो दरबार में प्रशंसा। भाई भारत पहले गुलाम क्यों था? पहले पढ़े लिखे लोग सब दरबारी कवि थे, राजा के बारे में लिखते थे, प्रजा के बारे में कोई लिखता ही नहीं था। इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। और अगर वो दरबारी कभी हो गया तब, अगर दरबारी कभी हो गया तो वही गाएगा जो दरबार में गाया जाता है। तो लॉरेल का काम करेगा, और लॉरेल का काम करेगा तो फिर बुराई कौन करेगा? ठीक है, कोरल। लिटर, गंदगी फैलाना। लिटर, वैसे लिटर क्रिया है। लिटर, ट्रैश, डस्टबिन, कूड़ेदान। बाकी आप कहेंगे तब फिल्थ, डबरी, गार्बेज, कूड़ा। फिल्थ का प्लूरल नहीं बनता, डबरी का बन जाता है। ये बात मैंने कल समझाया था आपको। लिटर, ट्रैश और डस्टबिन, गंदगी। यही है। आप देखिए, आपके जीमेल में भी एक ट्रैश होगा। मोबाइल में जब जीमेल में जाएंगे तो इनबॉक्स होगा, एक ट्रैश होगा, एक स्पैम होगा। स्पैम में क्या रखते हैं? हाँ, स्पैम। स्पैम मतलब जो भी चीज आपको लगता है कि बुरी है, यहां रख लीजिए तो स्पैम हो जाएगा। और ट्रैश का मतलब होता है कोई भी चीज हटाने से पहले ट्रैश। अच्छा, इसलिए अब देखिए कि पहले क्या होता था, पहले कोई चीज डायरेक्ट डिलीट हो जाती थी। अब क्या होगा कि कोई चीज जैसे डिलीट मारेंगे तो डिलीट से पहले ट्रैश में एक महीने तक रहेगी। अगर आपको रिकवर लेना है तो फिर से ले सकते हैं, और अगर ट्रैश से फिर हट गया फिर परमानेंटली डिलीट। तो ट्रैश का मतलब ही होता है ताकि कोई फाइल आपको जो लगता है अनवांटेड फाइल है ट्रैश में चली जाती है। ऑर्डर है आदेश, पजे से रखना, सिस्टम है व्यवस्था। ऑब्लिटरेट, जड़ से मिटा देना। ऑब्लिटरेट क्या लगाएंगे? ऑब्लिटरेट होता है वैसे रब आउट, ये होता है वाइप आउट, ये होता है इफेस, इफेस। वैसे इसे कहेंगे इरेडिकेट, इसे कहेंगे इमेंसिपेट। किसी चीज को जड़ से समाप्त कर देना, एक तरीके से कहना चाहे तो कह दीजिए एबॉलिश, समाप्त कर देना। कानून या नियम, ये होता है ना एबॉलिश, एनल, एनुल, रेस्काइंड, रिपेल। किसी चीज को जड़ से समाप्त कर देना, रूट आउट लिख दीजिए। बस खुश हो गए आप? स्पंज भी लिख दूं? चलिए लिख दिया स्पंज। अच्छा, एक्सपंज लिख दे रहा हूं। और बताइए, और बोलिए। अभी देखिए कोई बहादुर बोल देंगे क्वेश, बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते क्वेश। और क्वेश बोलेंगे तो बहुत बहादुर ऐसे होंगे जो डिसमिस भी बोल देंगे। और जब डिसमिस बोल दिए तो फिर विलुप्त पर काहे बचे हैं?
विलुप्त भी हो जाएगा, अब लगे हाथ यहीं पर एक्सटिंक्ट, और विलुप्त हो गई तो कुल मिला के कह दो गया खत्म, यही बनेगा और क्या बनेगा। ऐसे ही बहरहाल जोड़ा जाता है वर्ड, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां से वर्ड गलत आ गए। यहां तक तो ठीक था। एक्सपंज हमेशा किसी मुकदमे के लिए आता है, क्वेश भी हमेशा मुकदमा के लिए आता है, डिसमिस किसी याचिका के लिए आता है, एक्सटिंक्ट जब कोई चीज सरवाइव ना कर पाए, जबकि ये सब तहस नहस होता है। जैसे अभी एनिहिलेशन है, अभी जैसे देखिए ना खूब बारिश हुई अचानक फ्लैश फ्लड आ गया, फ्लैश फ्लड समझते ना, फ्लैश फ्लड। अभी देखिए हिमाचल में और उत्तराखंड में कैसी बाढ़ आई है, फ्लैश फ्लड। अच्छा हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ आती कैसी है, फ्लैश फ्लड। और समतल एरिया में फ्लड, क्योंकि यहां पानी आ गया तब कुछ दिन रुकेगा। और फ्लैश फ्लड क्या है, अचानक बस 16,000 फीट से पानी आया, बहा ले गए, हम बह गए, 5 मिनट बाद बच गए। अगर जो बच गया सो बच गया, जो निबट गया तो चला जाएगा ना। फ्लैश फ्लड है ना, फ्लैश फ्लड मतलब सीधे ऊपर से गिरता है। भाई जैसे केदारनाथ में बाढ़ आएगी तो कौन सी बाढ़ आएगी, फ्लैश फ्लड आएगी, अचानक बस पानी का वॉल्यूम आएगा, सीधे लेकर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे हमेशा यही होगा। और नीचे आकर यहाँ जैसे बिहार में देखिए क्या होता है, कोसी नदी, कोसी नदी भी बिहार का सुख बन जाती है, क्योंकि यहां से प्रवाह गया, अब हिस्सा भी जमुना जी। अब क्या लगता है कि जो बड़े हनुमान जी डूब गए हैं प्रयागराज में, क्या लगता है पानी पीछे का है, यहाँ का बाढ़ का है, कुछ नहीं है, सब उधर पीछे पानी, सब जमुना जी इधर से आ गई है, उधर जाके उधर से है, गंगा जी ब्रेक हो गई होगी बनारस के आगे इस तरफ, अब गंगा जी पीछे की ओर फैल रही होंगी, फैल गई है, इधर पानी चढ़ गया। और यही आप अभी चले जाइए 4 किलोमीटर इस तरफ, कोई बाढ़ ही नहीं आई है। अब जिस वक्त गंगा जी का पानी आएगा तब बघाड़ा डूब जाएगा, फिर इस तरफ डूब जाएंगे सब राजापुर में, तो गंगा जी में तो पानी है ही नहीं। तो ये सब कहीं ना कहीं फ्लैश फ्लड का पार्ट है, डेल्यूज होता है। तो खैर इसको बहरहाल हम ये बोलेंगे ऑब्लिटरेट जड़ से समाप्त होना, साइनो भले जोड़ देंगे। अब जैसे हमने यहां तक भले जोड़ लिया, लेकिन इन सब में थोड़ा थोड़ा सा यूज में सबका अंतर है, सबका अंतर है। और इसको हम किससे जोड़ देंगे, सर्वनाश, तहस नहस, कंस्ट्रक्ट अपोजिट हो जाएगा निर्माण, रिवाइव होता है पुनरुद्धार, इनिशिएट शुरुआत। कभी कभी एग्जामिनर बस भाव पर जोर देता है, जैसे ऑब्लिटरेट होता है किसी को जड़ से मिटा देना, बुरा वर्ड है ये, अच्छा वर्ड है ये, अच्छा वर्ड है ये, अच्छा वर्ड है, एक ही तो है बुरा, बुरा प्लस बुरा मिल गया बात खत्म। ये बहुत अच्छा होता है, ये जान लीजिए कि जिसके पास ये वाली समझ आ गई, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसीलिए कहा अगर जैसे भी परीक्षा देना हो तो क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा बस प्लस माइनस समझो, बस ऑप्शन चेक करो भाई, वहां या तो अच्छा ऑप्शन चाहिए या तो बुरा, और उसी के आधार पर उत्तर फिट हो जाता है। बस अर्थ इसके लिए थोड़ा डेप्थ नॉलेज हो, डेप्थ नॉलेज हो तो अंग्रेजी आप 4-5 मिनट में कर लेंगे, टाइम बचा लेंगे। ये मैथ में भी है, पता चला गरीब पेपर में बैठ गए, अब देख रहे हैं कि सपोज करिए कि आ गया 53 भागे 6 या 53 गुणे 6, तो कह रहे हैं रुके रहो पहले, 6 3 18 हासिल 1, 6 5 30 1 31, 53 गुणे 6 = 318। अब लिखेंगे तब तक फिर सवाल पढ़ेंगे, फिर कहेंगे अच्छा भागे 2 तो 2 2 1 2, 2 5 10, 2 9 159। अब जिसका कैलकुलेशन ऐसा हो वो मैथ लगा पाएगा, बीत जाएगा उसका टाइम ही, और पता चला कहीं और कठिन आ गया तब फेल हो जाएगा। इसलिए खूब गुणा गणित करना चाहिए। स्क्राइम, खैर मैंने इसको बताया है, जो थोड़ा सा सोच समझ कर पैसा खर्च करे वही होता है, सोच समझ कर जो खर्च करे, और इसका अपोजिट हो जाएगा जो बेवकूफी पूर्वक खर्च कर दे। ठीक है, खैर आज की क्लास समाप्त, आ जाइए असेसमेंट पर।